तो इंटीग्रेशन के हम लोग ना जो हमारे रिक्वायर्ड फंडाज हैं वो हम सारे सीख चुके हैं, जितने भी हमारे इंटीग्रेशन के फंडा होते हैं, ठीक है, जो अप्लाइड से रिलेटेड है, वैसे तो बहुत सारे भी और बचे हुए हैं। तो अब हम इसके ना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दो तीन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और नहीं भी आती है एग्जाम में तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो पकड़ेंगे, पहला टॉपिक ये होगा टू डिटरमाइन कॉस्ट फंक्शन। आपको याद होगा हम कॉस्ट फंक्शन से मार्जिन कॉस्ट निकाला करते थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन करके। तो हम लोग अब डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट फंक्शन या फिर एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। और कंडीशन क्या गिवन होगी, व्हेन, उल्टा हो गया क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। मतलब मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन होगी, जो आप डेरिवेटिव से निकालते थे वो गिवन होगी, तो आपसे क्वेश्चन रिवर्स करवाया जाएगा, कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो आप उसकी कॉस्ट फंक्शन या एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल दो। आप हेडिंग वाइज लिखते जाना, मैं हेडिंग वाइज ही कराता जाऊंगा आपको। तो जैसे अब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग एमसी से डिनोट करते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो एमसी जो होता है वो डीसी बाय डीएक्स होता है। देखो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ये हमने इस तरह से लगा दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। डी बाई डी एक्स है डेरिवेटिव, ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, और ये है एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जब दोनों एक साथ आएंगे तो आपके पास खाली क्या रह जाएगा, आपके पास खाली सी रह जाएगा एंड प्लस के, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अभी आप नोट करना, दोबारा सुनो। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का, फॉर एग्जाम्पल ये, तो देखो इसको आप लॉन्ग स्टेप में ऐसे जा सकते हो, पहले डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन किया, 2 को बाहर रख लिया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया आंसर देखो एक्स स्क्वायर ही, यही आया। या फिर ऐसे हो जाए, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले इंटीग्रेशन करना है फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, करते हैं चलो। पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिया हमने, एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स क्यूब का 3x² / 3, तो भी देखो एक्स स्क्वायर आया। तो जब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे अगर आते हैं, तो जो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है या जिसको इंटीग्रेट करना है, वही फंक्शन आपका सीधा आंसर हो जाता है। मैं कह रहा हूं आपको, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है सब कुछ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल निकालना है इसका सी का, तो आप डायरेक्ट सी लिख सकते हो, करने की जरूरत क्या है। आपको बात सही में आई ये वाली जो मैंने बोली अभी? यस सर। ठीक है, तो किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना हो या किसी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रल, सीधा सीधा फंक्शन नोट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप डीसी बाय डीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जस्ट राइट सी डायरेक्टली, तो वो सी हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करने से सीधा सी आ जाएगा, एंड प्लस के, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। मैं सोचा था मैं ठीक हो जाऊंगा आज मंडे तक, तो मैंने कहा था मंडे से लूंगा ऑफलाइन, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, ठीक है आप। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय, शॉर्ट फॉर्म में एमसी लिख लो, नहीं तो सीधा सीधा एक्स यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 6 + 10x - x 6x² ये मार्जिनल कॉस्ट गिवन है एक्स यूनिट्स की, फुल स्टॉप। द टोटल कॉस्ट फंक्शन, द टोटल
cost of producing, the total cost of producing one unit, the total cost of producing one unit is rupees 10. एक यूनिट की कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने की वो टोटल कॉस्ट 10 रुपए आती है, तो आपको बताना है टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। चलो भाई टोटल फंक्शन ही निकालते हैं, फाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन या खाली कॉस्ट फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया मान लो। अब आपने सॉल्यूशन में देखो लिखना कैसे है, पहला स्टेप आप एमसी लिखो इज इक्वल्स टू 6 + 10x - 6x2। अगले स्टेप में या इसी स्टेप में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन दिखा दो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप डीएक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगले स्टेप में आप एमसी का इंटीग्रेशन करके उसको सीधा सी लिख लो और इधर तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। जैसे 6 का 6x हो गया, 10x का हो गया 10x2/2, 6x2 का हो गया 6x3/3 एंड प्लस एनी कॉन्स्टेंट के। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कैंसिल हो गया ये 5 और 3 से कैंसिल हो गया 6, ये 2 टाइम्स। ये कॉस्ट फंक्शन तो आ गया। अब ये जो 10 रुपए बताओ ये टोटल कॉस्ट है, कितने यूनिट्स की है ये? 1 यूनिट की है। तो क्या करना है, यहाँ टोटल कॉस्ट को तो रख लो 10 रुपीज और x के प्लेस पर 1 रख दिया हमने, ये x के प्लेस पर 1 रख दिया। तो ये पता क्यों दिया है, ताकि ये जो आपका कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू निकल आए। 6, 5, 11, 11 में से 2 गए 9, 9 उधर जाके माइनस हुए, k की वैल्यू 1 आ गई। तो देयरफोर आपका जो कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन है वो आ गया 6x + 5x2 - 2x3 और k की वैल्यू 1 आई है तो 1 लिख लो, दैट्स ऑल। ये आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है अभी। तो मैं आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा स्पीड से करना, अभी बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा फिर। तो मार्जिन कॉस्ट दूंगा, आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स, कॉस्ट निकालनी है। के निकालने के लिए कोई कंडीशन होगी तो यूज करना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। नोटिस सर। चलिए अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो, एमसी इज इक्वल्स टू 2 upon √2x + 9। ये तो मार्जिनल कॉस्ट है और एक इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है, फंक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है ये गिवन है ₹14। आपको बताना है एवरेज कॉस्ट निकालनी है, आपको एवरेज कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। Is equals to question mark. Fixed cost इस बार 14 रुपए है, MC आपके सामने है और average cost निकालनी है 8 यूनिट की, वो तो हम 8 यूनिट put कर देंगे average cost निकाल के। चलो जी integration से start करो आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एमसी लिखो, उधर इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon √2x + 9, एक्स का फंक्शन है तो dx शो कर सकते हो, ये तो सी हो गया। अब आप मेरे को इसका इंटीग्रेशन सोच के बताओ, डायरेक्ट होता है हमारे लिए तो, बाकी का मुझे पता नहीं, आप लोग डायरेक्ट जानते हो इसको, ये 1 upon √2x, ये ना 1 upon √x है, आप इसको मन में x रीड करो क्योंकि लीनियर है, और 1 upon √x का प्रिमिटिव याद, मैंने कहा था याद रखो काम जरूर आएगा, 1 upon √x का प्रिमिटिव याद रखो, ये डायरेक्ट होता है 2√x। अब लिखो इसका प्रिमिटिव, देखो ये वाला 2 मैंने बाहर ले लिया है पहले तो मल्टीप्लाई में, अब आप अपना प्रिमिटिव लिख लो, क्या लिखना है, क्या लिखना है बोलो, √2 into √x/√2 √2x + 9। हाँ, जिसको आप x रीड करते हो उसमें x का कोफिशिएंट जरूर ध्यान रखते हो, तो अपॉन 2 भी करोगे एंड प्लस k, तो ये लो जी 2 से 2 कैंसिल करो, तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन तो आ गया है। अभी बताओ इस फिक्स कॉस्ट का क्या करना है, तो k की जगह 14 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा सर, c की जगह 14 लिख देंगे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 8 यूनिट्स है, 8
नहीं वो तो आपको निकालनी है एवरेज कॉस्ट। हाँ देखो फिक्स कॉस्ट कब होती है, जब आपके नंबर ऑफ यूनिट जीरो हो जाती है तो फिक्स कॉस्ट बनती है। तो पता है जब भी फिक्स कॉस्ट गिवन हो, आगे से ध्यान रखना, एक्स के प्लेस पर तो जीरो लिखना है, नंबर ऑफ यूनिट जीरो कर लो तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपके फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 14 रुपए। तो x के प्लेस पर जीरो, c के प्लेस पर 14। देखो जब यहाँ पे जीरो रखोगे ना इस जगह पे तो ये जीरो हो जाएगा, 9 रह जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा प्लस k। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई, 14 माइनस 6, k की वैल्यू 8 आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट कब होती है, जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो हो जाती है, हमने कोई यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं की, तो अब कॉस्टिंग क्या बच रही है भाई, कॉस्टिंग तो वही बचेगी ना जो फिक्स कॉस्ट होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो गई। जब नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बनेंगी तो फिक्स कॉस्ट में क्या चीज आती है, आपकी रेंट आ जाता है, अगर कोई रेंट पे हो रहा है, लेबर कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि लेबर को आपने बुला लिया और आप कुछ बनवा नहीं रहे उनसे, तो लेबर की कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो पैसा लेगी। तो लेकिन कब, जब एक्स जीरो होता है। तो ये लो जी आपका कॉस्ट फंक्शन तैयार है, 2√2x + 9 + 8, ये आपका कॉस्ट फंक्शन तैयार हो गया। अब बताओ इससे एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा, एवरेज कॉस्ट राइट, इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स से। चलो ये देखो दोनों टर्म को डिवाइड करना अलग अलग एक्स से, ये भी एक्स से डिवाइड कर लो और ये भी एक्स से डिवाइड कर लो, ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया। ये कह रहे हैं 8 यूनिट का चाहिए इनको, वो उसके लिए क्या करोगे आप, एक्स की जगह 8 राइट, एक्स की जगह 8 पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, वर्बली कर लो, 8 2 16 16 + 9 25 25 का root हो गया 5 / 8 + 8/8 = 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो भी कितनी आ रही है, रुपीस में लिख देना जो भी आएगी, यानी मेरे ख्याल से 2 से 8 कटेगा, 4 9/4 आ रही होगी, देखो 9/4 एवरेज कॉस्ट है 8 यूनिट की, 9/4। हाँ इसको पॉइंट में कर लो, मत करो को कट नहीं पड़ता। आगे चलें, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चले जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इजी लेवल ले रहा हूँ, अभी टफ लेवल पे भी आऊंगा। अच्छा इस बार गिवन है मार्जिनल कॉस्ट किसी भी कॉमोडिटी की एवरेज कॉस्ट के इक्वल दी हुई है, ये नहीं पता क्या दी हुई है, बस इक्वल दी हुई है, तो आपको इसमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको हम रेड मार्क से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, जरा ये वाला ट्राई करो फटाफट से, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आपस में इक्वल है तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा कॉस्ट फंक्शन है जिससे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सेम आएगी। So, कैसे होगा ये, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एमसी को क्या लिखते हो आप लोग, एमसी मींस व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ वो तो फुल फॉर्म बता रहे हो, एक्चुअल में कैसे निकालते हो, निकालते कैसे, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। हाँ ऐसे निकालते हो ना, डीसी बाय डीएक्स करके निकालते हो, ठीक है, इक्वल टू में आ जाओ। और एसी कैसे निकालते हो, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, कॉस्ट अपॉन एक्स। ये बताओ ये क्लियर है भाई, जो इन्होंने दिया हमने वही लिखा है, ठीक है। अब आप देख ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे दो ऑपरेटर नजर आ रहे होंगे, एक डीसी और एक डीएक्स। डीसी और डीएक्स का मतलब है ये दो ऑपरेटर हैं, इन दोनों को अलग अलग करो, कर देते हैं अलग। इसमें क्या है, देखो डीसी आ रहे हैं ना, तो डीएक्स को सामने ले जाओ, वन अपॉन एक्स के साथ ले जाओ, ये रहा, मैंने बोला वन अपॉन एक्स के साथ ले जाओ, ये सी गायब कहाँ हो गया, कहाँ गया सी, और कहाँ आना चाहिए इसको, ये डीसी के पास आया भाई, सेम वेरिएबल अलग जाएंगे ना, तो डीसी ऑपरेटर अपनी जगह पे आ गया एक साइड पे, डीएक्स ऑपरेटर अपनी जगह पे, दोनों ने अपने अपने वेरिएबल्स को अपने अपने साथ रख लिया है, और अब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। ये देखो अब चलो मेरे को 1/c का इंटीग्रेशन बोलो, विद रिस्पेक्ट टू सी बोलना है, कॉन्स्टेंट नहीं है इसका मतलब, 1/c का, अच्छा चलो 1/x का बोल दो, 1/c का log x, log x, अब बोल दो चलो 1/c का, log c, log c, ये लो, और प्लस, प्लस क्या करूं, प्लस तो करो k, मैं k नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखना, बताऊंगा आपको रीजन, मैंने लिखा log k,
मेरी मर्जी है, मैं कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकता हूं, के टू के, के बाई थ्री, अंडर रूट के, लॉग के, कोई भी कांस्टेंट में अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूं। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, हमने के लॉग के क्यों ऐड किया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों साइड के प्रिमिटिव लॉग में आए, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड की, आप इस के को किधर भी ऐड कर सकते हो, मर्जी होती है, इधर भी ऐड कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप ये देखोगे कि आपके दोनों साइड के प्रिमिटिव लॉग में आ रहे हैं, तो आप उसमें के बदले में लॉग के ऐड करोगे। उसका बेनिफिट सुनो, लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इन टू के, ये बात सही में आई आपको? मैंने लॉग एक्स और लॉग के को ऐड करके लॉग एक्स के बना दिया। यस सर, बना सकते हैं भाई, दो लॉग ऐड हो रहे हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। और अगले स्टेप में बताया मैं कैसे लिख दूंगा इसको, अब दोनों साइड पे लॉग है, तो लॉग अगर दोनों साइड पे है तो इसका मतलब जो सी है वो के एक्स के इक्वल है। ये वो फंक्शन है फाइनली जो हम ढूंढ रहे थे, ये वो कॉस्ट फंक्शन है जिसका मार्जिनल कॉस्ट और जिसका एवरेज कॉस्ट सेम आएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि करना जरूरी है, लॉग सी मान लो कोई बच्चा ऐसे भी लिख के छोड़ दे, log c equal to log x plus k, तो मार्क्स तो उसको भी फुल मिलेंगे यहाँ पे अगर छोड़ देगा तो। लेकिन यहाँ से डेरिवेटिव निकाल के mc और ac को इक्वल दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली टू इसके, ये थोड़ा सिंपलेस्ट फंक्शन है। तो अभी और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मेरी बात ध्यान रखनी है आपको, अगर दोनों साइड के प्रिमिटिव लॉग में आ रहे हैं तो आप ध्यान रखो हमें k के बदले में log k ऐड करना है और log को इस पूरी इक्वेशन से डिजोल्व करना है। देखो नीचे log c आया, इधर log kx आया, log log compare या समझो cancel हो गया कह लो, तो c equal to kx रह गया। ये एक simplified function है। सर left hand side पे जगह को constant क्यों add नहीं किया? कहीं भी एक जगह add कर सकते हो। देखो ऐसा होता है, जैसे ना मान लो आपका ये आया log c, ठीक है, इधर आया log x, अब आपने कहा हम तो दोनों साइड ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, इधर log k ऐड कर लो या k1, इधर log k2 ऐड कर लो, दोनों साइड ऐड कर सकते हो। अब होगा क्या, इधर का तो बन जाएगा log c k2, उधर का बन जाएगा log x k1, ठीक है, अब क्या होगा c k2 equal to हो जाएगा x k1 के, फिर क्या करेंगे c is equals to x into k1 upon k2 कर देंगे, ये वाला k2 नीचे, और k1 upon k2 खुद एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसके प्लेस पर वापस एक सिंगल कांस्टेंट k ले लेंगे, ये देखो वापस एक ही आ गया। ओके सर, तो इसलिए ना कहीं भी एक साइड पे कांस्टेंट ऐड कर लेना, दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, फिर हमें वापस उसको एक साइड पे लाना पड़ेगा और वापस उसको कंबाइन करके एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट तो आपका क्वेश्चन बहुत लाजमी है भाई, जब दो साइड इंटीग्रेशन है तो दोनों साइड कांस्टेंट ऐड करो ना, तो दोनों साइड करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं एक ही साइड कर लेते हैं। चलो डन, मैं आगे चलूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, MC लिखो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 400, और इसमें जो आपकी वैल्यू गिवन है वो फिक्स कॉस्ट गिवन है रुपीज 900, और आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन मार्क है, करो जी जल्दी से करो, देखना यह है कि आप इंटीग्रेशन में फंसते हो या नहीं फंसते हो, देखना तो यह है।
सर हो गया हो गया, बताइए भाई बाकी। सर इसका डेरिवेटिव कंफर्म कर दूं। ओके देखिए इंटीग्रेशन का साइन तो लगा ही लिया होगा, इसको सी लिख दिया होगा। अभी मैं ये देख पा रहा हूं ऊपर जो एक्स है और वो भी dx के साथ माना जाएगा, आप चेक करो ये किसका डेरिवेटिव होता है। सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था, क्या नीचे एक्स स्क्वायर अवेलेबल है? यस सर बिल्कुल है। बर्बरी करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 400 का डेरिवेटिव बोलो 2x, एक 2x की कमी है, तो मैंने इस कमी को यहीं पे पूरा करके दिखाया टीचर को। देखो ऐसे मैंने कहा देखो सर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंडर रूट नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 400 चल रहा है। अगर ये अंडर रूट ना होता ना तो मेरा सीधा सीधा आंसर होता लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 400, अगर आपको याद हो तो। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है ना तो हम लोग कैसे लिखते हैं आंसर, लॉग करके लिखते हैं ना। समस्या ये है कि अंडर रूट आ गया, कोई बात नहीं, जरा वर्बली सोचो, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो ऊपर का गायब, ऊपर का डी टी बन जाएगा, मेरा वन अपॉन अंडर रूट टी आ जाएगा, यही आएगा ना। अगर मैं इंटीग्रेशन वापिस आऊंगा तो मुझे वन अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन तो बोलो डायरेक्टली, वन अपॉन अंडर टू रूट टी, तो ये लो ना टू रूट टी, टी कौन कह रहा है मान के दिखाने को, ये लो सीधा मन में माना हुआ है टी हमने, ये लो, हमने नहीं दिखाना किसी को कि टी हमने इसको माना है, सीधा कर दिया हमने। और अगर रूट ना होता तो अभी हम सीधा करते तो हम सीधा लॉग में लिख लेते आंसर, ये 2 से 2 हटाओ, ये लो ये रहा प्रिमिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 400 का अंडर रूट। एक्स कहाँ गया? देखो मैं आपको इसको करके लिख के दिखाता हूं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 को टी मानता, मान लो मैं इसको शो करता हूं पूरा, तो डिफरेंशिएशन करता 2x dx इक्वल्स टू dt आता, मैं इंटीग्रेशन में वापस चला जाता तो ऊपर का 2x dx तो dt बन जाता, नीचे मेरा अंडर रूट टी आ जाता, फिर मैं अगले स्टेप में इसका प्रिमिटिव लिखता, 1/2 1/√t का प्रिमिटिव हो जाता मेरा 2√t, मेरा 2 से 2 कट जाता, अंडर रूट टी बचता, मैं टी को रिकॉल करता एक्स स्क्वायर प्लस 400, ये तो करता मैं है ना। तो इसका मतलब जो मेरा इसका जो आंसर है, तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपको बता रहा हूं, आपने देखा भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तैयार पड़ा हुआ है, तो आप मन में इसको अंडर रूट टी पढ़ो और 1/√t का प्रिमिटिव डायरेक्ट लिखो 2√t, हो गया बस। और आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें 99% क्योंकि आपको छोड़कर सब बच्चे इसको टी मान के दिखाएंगे, मुझे मालूम है, और यहां तक दिखाएंगे प्रिमिटिव, आपका भी तो वही आ रहा है 2 से 2 कैंसिल करके, देखो बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा अब इसमें फिक्स कॉस्ट दी है, देख लो इसका क्या करना है, इसका तो मालूम ही आपको क्या करना है, आगे चलो इसमें फटाफट से निकालो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, मतलब सी को आपने 900